हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या कोई व्यक्ति यदि तलाक लेना चाहता है और यदि उसकी पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, या यदि पत्नी तलाक लेना चाहती है पति तलाक नहीं दे रहा है, तो क्या इस स्थिति में एक पक्ष तलाक हो सकता है। तो इसी को बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया जाता है, चाहे वाइफ यदि फाइल करती है तो हस्बैंड को नोटिस जाता है, समन जाता है, और यदि हस्बैंड करता है तो वाइफ को समन जाता है। यदि म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स नहीं होता है तो, यानी दोनों की सहमति से यदि डिवोर्स नहीं होता है तो, अब इस स्थिति में क्या होता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार समन गया और समन सर्विस होने के बाद भी वो यदि जिसको समन जाता है यानी प्रतिवादी को, वो कोर्ट में नहीं आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी, कहने का मतलब है आदेश 9 और नियम 6 के तहत एक पक्ष आदेश हो जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, और एक्स पार्टी ऑर्डर के केस में वन साइडेड डिवोर्स लिया जा सकता है। फिर उसको वन साइडेड जो है एक पक्ष डिवोर्स दिया जा सकता है, जो प्लेंटिफ है उनको डिवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसा यदि कोई धारणा है कि पत्नी यदि बोलती है कि मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगी, तो उसको कोर्ट में आके ये चीज बताना पड़ेगा कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, वो सारा केस यदि वो चलाना चाहती है तो चलाना पड़ेगा, या पति यदि ऐसा करता है तो उसको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, ये सब कहना पड़ेगा। लेकिन यदि वो चाहता है कि मेरे पास समन जा रहा है और मैं नहीं आऊं कोर्ट में और डिवोर्स भी ना दूं, मैं इससे बचूं, तो ऐसा कतई ना सोचे, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और उस स्थिति में वन साइडेड डिवोर्स हो जाएगा।